हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साहिल और चैनल का नाम है साइन बॉय साहिल। तो गाइस, आज का थंबनेल देख के तुमको मालूम चल ही गया होगा कि वीडियो क्या के ऊपर होने वाला है। बट उससे पहले मैं बता देता हूँ कि भाई, ये वीडियो को देखने के बाद किसको बुरा लगेगा तो मेरे को दिल से सॉरी भाई, बट मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। भाई देखो, कुछ दिन से मैं वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब में, भाई कुछ भी कंटेंट बना के बाइक के ब्लॉगर्स डाल दे रहे हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं वो जा रहा हूँ। बस उसी को मैं भी फॉलो कर रहा था, बट देख रहा कि मैं मुझे मतलब उतना खास मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। जो भी मेरा वीडियोज़ में तो व्यू आ ही जा रहा है भाई, तुम लोग का प्यार फिर भी सपोर्ट देख ही पा रहे। बट तुम लोग को भी एक लग रहा होगा कि भाई, ये तो वो यूट्यूबर किया था, वो यूट्यूबर किया। तो भाई मैं फिर भी, कॉपीराइट अगर मेरे को नहीं भी पड़ा, फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा भाई कि एक बाइक लेके अगर मैं ये सब दिखाऊं, मतलब घर जा रहा हूँ, किसी के पॉपिस जा रहा हूँ, किसी के पप्पी जा रहा हूँ, कुछ भी, मतलब लौरा लहसुन कुछ भी, सॉरी मैं क्या बोल गया। तो भाई सापासी बात है, मैं अब कुछ अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ। जैसा कि मेरा कंटेंट में रहेगा भाई वेस्ट बंगाल में। अब मेरा जॉब शायद मैं छोड़ दूंगा, तो जॉब नहीं भी छोड़ूँ तो भी मैं बता दे रहा हूँ कि भाई, आप कंटेंट में ये रहेगा कि भाई, मैं एक मोटो ब्लॉगर को फॉलो करता हूँ, उनका नाम है VSK ब्लॉग्स। तो उनका ही ऊपर से मैं ये देख के ये वीडियो बनाऊंगा। वो NCR में वीडियोस बनाते हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है उनका वीडियोस देखना, कि प्रॉपर रेजोल्यूशन के साथ बनाते हैं वो वीडियोस बनाते हैं। जूमैट जितने भी डिलीवरी मतलब थिंग के जो काम है, तो भाई इससे क्या होता है ना कि जो बंदा मतलब न्यू न्यू बाइक लिया है या फिर कुछ करने को कुछ है नहीं उसके पास, तो वो बंदा उनका वीडियोस देख के मतलब प्रॉपर रेजोल्यूशन ले लेता है कि कौन सा जॉब करने से, कितना देर करने से कितना इनकम हो सकता है कि वो घर चला सके। तो भाई मेरे को वो बहुत अच्छे लगे हैं, मैं उनको एम्बिशन मान चुका हूँ, अब मैं भी वही करूँगा। मतलब पूरा पूरी उनकी तरह तो नहीं कर सकता भाई, उनके 50,000 फॉलोअर्स जो है और प्लस उनका जो मेहनत बहुत ज़्यादा है, फोटो सब कुछ है। बट भाई मैं जो कि अब कैम खरीद चुका हूँ, तो अब ये फ़ोन के साथ मेरा सब कुछ होगा, होने वाला है। तो मेरा वीडियोस में ये रहेगा कि जैसे कि मैं एक दिन मतलब इतने घंटे काम करने से जोमेटो या स्विगी या सब कुछ मिला के कितना इनकम हो सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर से काम करना अच्छा है या फिर ये स्विगी जोमेटो मतलब स्विगी जोमेटो ओला उबेर रैपिडो फिर डूंजो फिर मतलब पोटर, ये सब में काम करना अच्छा है, तो ये सब के ऊपर बताऊंगा। तो तुम लोग कमेंट्स करके बताना कि ये सही रहेगा या गलत। और उसके बाद जब मेरा ग्रोथ हो जाएगा यूट्यूब चैनल का, जो कि तुम लोग जान ही सक रहे हो भाई कि अभी मेरा मतलब क्या बोलो, तो मैं भी मिडिल क्लास का, मैं तुम लोग को कुछ छुपाऊंगा नहीं, मेरा घर से अलाउ नहीं करेगा भाई, और मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसको मुझे फॉलो करना पड़ता है, घर में भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं और प्लस मेरे बाइक का EMI भी चल रहा है, फ़ोन का EMI चल रहा है, तो भाई दिमाग में बहुत टेंशन रहता है। तो इसी की वजह से मैं परमानेंटली तो नहीं मतलब कर पाऊंगा, लेकिन अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल बढ़ा तुम लोग के सपोर्ट से, तो भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। इसके बाद मैं इंटरनेशनल राइड्स करूँगा, फिर अपने मतलब स्टेट राइड करूँगा, ये सब राइड्स में मैं पार्टिसिपेट करूँगा, जो कि मेरे को अभी भी बहुत जगह से मतलब मैं फ्रीली जा सकता हूँ, बट भाई अपना ही बाइक का तेल जला के उतना दूर जा के फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई सच बताऊँ तो घर का प्रॉब्लम्स की वजह से मैं दब जा रहा हूँ और मैं फुल्ली मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है भाई ये सब को लेके। तो अब मैं ये डिसीज़न लिया हूँ कि भाई वो लौरा लहसुन डायरेक्टली बोल रहा हूँ, वो लौरा लहसुन वाला कंटेंट मैं नहीं लाऊंगा, ठीक है, और लाऊंगा भी तो प्रॉपर रेजोल्यूशन वाला वीडियो लाऊंगा, जिसको देख के तुमको नॉलेज भी मिले और पकाओ ना लगे कि भाई ये क्या ही बक रहा है, कुछ भी मन में आ रहा बक दे रहा है, तो ये सब नहीं होने वाला है। और नहीं होता भाई, तुम लोग मेरा वीडियो देख ही सकते हो, उसमें इंफॉर्मेशन ही देता हूँ कि भाई बाइक के बारे में कि क्या करने से क्या रहता है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, मतलब दोस्त फॉलोअर्स नहीं कहूँगा, इंस्टाग्राम में फिर फेसबुक में मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई ये बाइक तेरे पास है तो तुझको तो नॉलेज है, क्योंकि भाई मैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव रह चुका हूँ बाइक सेंटर में, तो इसीलिए मैं ये सब वीडियो भी बीच बीच में लाता हूँ, बट ये ब्लॉग्स के अंदर तो नहीं पड़ता, बट तुम लोग को तो फ़ायदा होता ना भाई, जो भी हो इसी के लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। और भाई तुम लोग प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे भाई, प्लीज़ सपोर्ट करो। बड़े यूट्यूबर्स को तो सब कोई सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे उन वो लगा लेते हैं भाई, एड्स करवा लेते हैं, कुछ भी करवा लेते हैं तो चल जाता है। बट अब तो मेरे पास उतना है नहीं, बट मैं भी जो भी लाऊंगा कंटेंट अच्छे लाने वाला हूँ। तो तुम लोग बताना कमेंट्स करके कि
ये कंटेंट जो मैंने बोला है वीडियो में ये अच्छा लगेगा ना, वो जो बाकी के करते हैं घर जा रहा हूँ ऑफिस जा रहा हूँ ये जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ रास्ते में देखा, वो बेसिकली उतना अच्छा नहीं लगता मेरे को भाई। अभी भाई मैं वेस्ट बंगाल का हूँ तो वेस्ट बंगाल में जो भी होगा ओला उबर रैपिडो से अर्निंग, जो कि अभी वेस्ट बंगाल बहुत से बंदे करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर बनाऊंगा तो भी भाई बंदों को भी अच्छा लगेगा कि नहीं भाई पूरा एकदम एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और रास्ते का हाल भी बता रहा है और फिर इनकम का भी सोर्स बता रहा है कि कितना इनकम होने वाला है नहीं है। तो तुम लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना भाई इसको फॉलो करूँ या नहीं। तो बोलना चाहता हूँ भाई, तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं टालूंगा इसको, ऑलरेडी 5-6 मिनट का वीडियोस हो चुका है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ज़रूर सपोर्ट करो भाई प्लीज़, और अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना और बुरा लगे तो भी बताना। तो और अपना भी आइडिया शेयर कर सकते हो कमेंट करके कि क्या कर सकता हूँ मैं जिसके वजह से मतलब तुम लोग को अच्छा लगे, तो वही मैं करने का कोशिश करूँगा, जितना भी हो सके देने का कोशिश करूँगा। जब यूट्यूबर बनने का सोच ही लिया हूँ तो भाई यूट्यूब के लिए जो मतलब तुम लोग के लिए जो बोलोगे वो करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।